हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। क्लास 11th में अगला सेक्शन 4.2.3 टिनोफोरा करेंगे। कल हम लोगों ने सिलेंट्रेटा पढ़ा था, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आप डायरेक्ट चैनल से ढूंढ सकते हैं, 11th 12th बायोलॉजी वाला, और या फिर आप नीचे से क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक। टिनोफोर्स कॉमनली नोन एज, क्या कहते हैं टिनोफोर्स को कॉमनली? सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज। घर में जो हमारे कॉम्ब होता है कुछ, वैसे ही इसके छोटे छोटे से एक्सटेंशंस होते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, ये क्वेश्चन इनके बारे में हमेशा पूछा जाएगा। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, उसके लिए अपनी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। देखो, टिनोफोरा भी सिलेंट्रेटा की तरह ही क्या है, एसिलोमेट है, रेडियली सिमेट्रिकल है, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको पाया जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि दो जमाइनल लेयर्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म से फॉर्म होता है, जो आपने फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पढ़ा होगा। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज, जो अभी हमने काउंट भी कर ली थी, वो 8 रोज जो है बॉडी के पास कॉम्प्लेट्स के एक्सटेंशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होती हैं, जिससे कि इसको लोकोमोशन में मूव करने में मदद मिलती है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर थ्री स्पॉन्जेस में, टिनोफोरा में और सिलेंट्रेटा दोनों में ही जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रासेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस, कि इसमें से लाइट एमिट हो सकती है। ऐसा लगेगा कि लाइट जैसा कोई चीज़ एमिट कर रहा है अपने अंदर से। सेक्स इज नॉट सेपरेट है, यानी कि स्पॉन्जेस की तरह ही हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मीन से होता है, जबकि स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों से हो रहा था, तो ये पॉइंट भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल है, स्पॉन्जेस में इंटरनल थी, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और डेवलपमेंट उसकी तरह ही लावल फॉर्म से होगी। दो एग्जांपल्स हैं, प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम तो आपको यहाँ पर दिखाया ही गया है, इसके अलावा टिनोप्लाना भी इसी ग्रुप का एक एग्जांपल रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।